अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम कराची आए हुए हैं अपना पहला विज़िट, और आज हम एक फ़ार्म हाउस पे आए हुए हैं। आपको इस फार्म हाउस की सैर कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे नज़ारे और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं। ये इन्होंने बतख फार्मिंग की हुई है ओपन स्टाइल में, यानी खुले माहौल में, और बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और फार्मिंग को जो है ना, इन्होंने जो बतख फार्मिंग को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया है। और ये कराची शहर के अंदर, कराची से थोड़ा आगे मंजर पम्प की तरफ इनका फार्म हाउस है। ये चीज़ देखे बहुत खूबसूरत लगी मुझे कि इन्होंने एक नेचुरल चीज़ बनाई हुई है, थोड़ा सा मड हाउस बना के, थोड़ा सा पानी रख के, ताकि बतख जो है इसमें बहुत खुश रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और ये सब इन्होंने नेचुरल बनाया है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। ये देसी देसी मुर्गे हैं, और देसी मुर्गों का भी इन्होंने काम किया हुआ है, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रीड हैं, ये देखें। ये इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, यानी कि जो बीमार है उनको सेपरेट एक जगह किया हुआ है, पार्टीशन की हुई है, ताकि बाकी जो हमारे जो चूजे हैं या बाकी जो मुर्गे हैं वो इन बीमारियों से बच सकें। माशाल्लाह पूरे एक्टिव हैं। और ये इन्होंने एक बटेर फार्मिंग भी थोड़ी सी की हुई है, और बटेरे भी रखे हुए हैं। ये देखें, ये जो छोटे चूजे हैं, यानी छोटे बटेरे जो हैं उनके जो बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैचरिंग भी खुद करते हैं। ये कुछ कुछ अलग टेस्ट के हैं, कुछ कम दिनों के हैं, कुछ एक हफ्ते के हैं, इस तरह करके इन्होंने सेपरेट इनका एक पोर्शन बनाया हुआ है। बच्चे आप कटाए या बहुत छोटे छोटे भी है, 2 दिनों के भी हैं। और इनके पास हैचिंग मशीन भी है, ये यानी कि अंडे हैचिंग मशीन में रख के उनसे बच्चे भी निकलवाते हैं। ये कोयल के अंडे हैं, यानी बटेरे के अंडे हैं, ये उन्होंने अभी हैचिंग के लिए रेडी कर रहे हैं इनको, ताकि इनसे भी बच्चे निकाले जा सकें। ये हैचिंग मशीन है जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि जो है ना इनसे बच्चे निकाले जा सकें। ऑलरेडी उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, अंडे पड़े हुए हैं, और इसका 28 डेज़ का प्रोसीजर होता है बच्चे निकालने का। तो उसकी वहाँ से कुछ टेम्परेचर सेटिंग करते हैं, और ये देखें, वेरी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जिसे आप आसानी से हैचिंग कर सकते हैं। और ये कॉयल के अंडे हैं, और नीचे मुर्गियों के अंडे हैं, मुर्गियों के बच्चे भी यहाँ पे निकलते हैं। तो बहुत अच्छा सेटअप किया है, बहुत माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई देख कर। और ये मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो बार पड़े हैं कि आप आराम से इसको यूज़ भी कर सकते हैं, और इतनी महंगी भी नहीं है, ताकि आप अपनी फार्मिंग को थोड़ा और बढ़ा सकें
और अच्छा कर सकें। ये इसकी सेटिंग है कुछ, जो इनकी हीट अप जो सेटअप करना होता है, टाइमर लगाना होता है, जो भी होता है वो सब इस छोटे से पैनल के अंदर होता है। सही स्पेशल किस्म की बिल्ली है भाई, अंग्रेज बिल्ली है। ये भी शौक रखे हैं, फारो शारो शौक पूरे कर लेता है बंदा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चूहों से लड़ेगी, ये तो अंग्रेज बिल्ली है। तो कौन नस्ल की बतख है? ये मेस्कवी। मेस्कवी मेस्कवी बतख है। तो देसी मुर्गे के अंडे भी हैं, खाली देसी मुर्गे भी बेचते हो? देसी मुर्गे के अंडे ही हैं, खाली अंडे मुर्गे भी बेचते हो? ये देना शुरू नहीं किया इन्होंने। ये फार्म के आउटसाइड के कुछ मनाजर हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत दिलकश हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ कल जाके, बहुत सुकून आया कि कराची शहर के शहर के अंदर भी इस तरह के फार्म हाउस हैं कि आप वहाँ पे आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें नीम के दरख्त, और मौसम बड़ा अच्छा था आजकल कराची का, थोड़ा गर्मी नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं, बहुत ही प्यारे और बिल्कुल नेचर से करीब जगह है। और इस तरह के फार्म हाउस जो ना, ये जानवरों की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, ताकि उनको फ्रेश और अच्छी जगह मुहैया की जाए, साफ़ सुथरी जगह मुहैया की जाए, ताकि जो जानवर हैं, जो फार्म हाउस है, वो और ज़्यादा अच्छे से वहाँ काम किया जा सके, ताकि उनकी बीमारियों से उनको कम से कम बीमारियां लगें, जिस वजह से साफ़ सुथरा माहौल, खुली आबो हवा जानवरों को मुहैया की जा सके। बहुत ही खूबसूरत हट बना हुआ है, और ये जो हाथों से बना हुआ है टोटल सिंप अपना क्या कहते हैं उसको, बांस की लकड़ी से बना हुआ है, और बहुत खूबसूरत है और बड़ी मेहनत से बनाया गया है। और इसके हर तरफ जो है ना, खुले रोशनदान, खुली हवा है, गर्मी के लिए तो बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए। हिचरिंग करानी हो, हिचरिंग करानी हो या फार्म के बारे में कुछ मालूमात लेनी हो, तो यहाँ पे जो नंबर चल रहा है अख्तर भाई का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, और वो इंशाल्लाह आपके साथ फुल तावन करेंगे। गाय भी अच्छी है। उसी फार्म के साथ, हाउस के साथ एक गाय का फार्म भी है, जिन्होंने गाय का फार्म बनाया हुआ है, और अच्छी नस्ल की गायें हैं माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनको भी बरकत दे। बहुत अच्छा फार्म हाउस है, और इन्होंने भी नया नया फार्म हाउस शुरू किया है यहाँ पे। नदी भरी हुई हो तो पूरा डैम बन गया है।
रेड रेड है। सारा केमिकल ये वाला व्यू है, ये क्लास का। आज एक दिन अख्तर भाई के साथ कराची में भी ऐसे नज़ारे हो सकते हैं और हैं हैं, कोई शक कराची नहीं है। ये कराची है, भैया ये कौन सी नस्ल है? ये मलीरी है। मलीरी। सलाम अलैकुम। खैर है, ये कौन सी मलीर नस्ल है? हाँ मलीर। इसका कितना है, क्या दूध कितना देती है? दूध 4 किलो 5 किलो। अच्छा, एक टाइम का? एक टाइम। फिर तो अच्छा है माशाल्लाह। अच्छी भैंस है, सेम ऊपर देती है। थोड़ा मेहनत, जितना मेहनत करोगे जितना माल डालोगे। देखो अच्छी गाय, ये साहिवाल से लगता है मिलती जुलती है। तो अंदर जो है वो भी यही नस्ल है। अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।